हाय एंड वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो ब्लॉग स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में आज हम ब्लैक एडिशन के बारे में बात करेंगे मुझे पता है कि टाटा हैरियर जो है वो बहुत लोगों को पसंद है और टाटा हैरियर का ब्लैक एडिशन जो है वो बहुत ही कम लोग ओवरव्यू देते हैं उसका तो बस मैं आज की इस वीडियो में जो है ना ओवरव्यू देने वाला हूं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड आपको दूंगा बताऊंगा कि ब्लैक एडिशन में एक्चुअली क्या है रेगुलर हैरियर से अलग जो आपको इसको खरीदना चाहिए साथ ही मैं प्राइसेस भी यहां पर मेंशन कर दूंगा आप चैनल पे मेरे ख्याल में पहली बार हो अगर पहली बार हो तो नीचे जो है रेड बटन जरूर दबा के जाना और बेल आइकन दबा देना ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास तक यहाँ गाइज पहुंचती रहे गाइज मैं जानता हूँ कि आप जो है वो आप में से कुछ लोग जो है वो नई गाड़ी प्लान कर रहे हो यहाँ पर और अगर जितने भी डीलर कनेक्शन है आई एल बी प्रोवाइडिंग यू डील्स इन डेली एनसीआर तो केस आप इसी महीने में खरीद रहे हो अगर गाड़ी तो यहाँ पर नीचे जो है वो एक फॉर्म दिया गया है किसी भी मैनुफेक्चर का वो जाकर फिलअप कीजिए मैं आपको गारंटीड बेस्ट प्राइसेस दिलवाऊंग चलो गाइस पहले मैं शुरुआत में जो है इसके फ्रंट एंड को दिखा देता हूँ ब्लैक कलर की जो है वो पूरी इसकी बॉडी दी गई है काफ़ी अच्छी लग रही है ब्लैक कलर और बहुत डोमिनेटिंग कलर है ब्लैक और अगर आप देखोगे चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से ब्लैक कलर जो है वो दिया गया चारों तरफ आपको ब्लैक ही ब्लैक नजर आएगा जहां पर नेसेसिरियल पार्ट है बस वहीं पर कलर चेंज हुआ है जैसे कि आपका क्रोम का यूज हुआ हो गाड़ी में या फिर टाटा की बैजिंग हो या कहीं पर इस तरीके से आप देखोगे कि केवल वहीं वहीं चेंज हुआ है वरना पूरा सेक्शन इसका जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। तो फ्रंट प्रोफाइल पे सबसे पहले लेके चलता हूं आपको और यहां चेकआउट करवाता हूं गाइस कि यहां पर जो है वो एलईडी डीआरएल uh, दी गई रेगुलर हेरियर की तरह यहाँ पर भी स्प्लिटेबल uh, हेडलैम्प्स या टू सेक्शन हेडलैम्स आपको दिए गए हैं हाई बीम एंड प्रोजेक्टर के साथ में यहाँ ये यह भी एच आती है साथ में फॉग लैम्प यूनिट जो है वो रेगुलर फॉग लैम्प है रेगुलर लैम्प है येलो लैम्प है ब्लैक एंड ट्रीटमेंट चारों तरफ यहाँ पर पियानो फिनिशिंग नहीं दी गई है यहाँ पर पूरा ब्लैक एंड ट्रीटमेंट दिया गया है ये भी ब्लैक बम्पर भी ब्लैक ये सब चीज़ें ब्लैक यहाँ पर अगर आप ग्रिल देखोगे तो ग्रिल सेक्शन भी जो है वो कंप्लीट ब्लैक दिया गया है और एयर डैम जो है वहाँ पर आप देखोगे कि हनी गोम स्ट्रक्चर से गाइज यहाँ पर देखिए टाटा की बैजिंग आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी एंड यहाँ पर करेक्टर लाइंस जो है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं ओवरऑल जो फ्रंट का प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा लगता है आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन था जब ये लास्ट ईयर आया था और मेरे ख्याल में इसी से स्प्लिटेबल हेडलैम्प्स या डी आर जो अलग अलग दी जाती हैं वहाँ से शुरुआत हुई थी फिर आपने क्विड में भी देखी थी आप अलग अलग जगह देखते थे सेल्टॉस में देखी आपने और वेन्यू में देखी आपने तो अलग अलग तरीके से दी गई थी एनी anyway, अब मैं साइड प्रोफाइल पर चलता हूँ यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सब चीजें जो है वो ब्लैक ही नजर आएंगी ब्लैक या फिर डार्क जो है वो यहाँ पर है डार्क का लोगो नजर आएगा फेंडर पर भी आपको जो है वो व्हील आर्च ब्लैक कलर की प्लास्टिक क्लडिंग के साथ में आएगी ब्लैक ही इसके अलॉय व्हील्स रखे गए हैं ये वही अलॉय व्हील्स हैं जो आप एक्चुअली डायमंड कट देखते हो टॉप प्रोफाइल्स में या फिर उन प्रोफाइल्स में जहां पर ये वाला एक्चुअली डायमंड कट में आता है तो ये वही वाला है बस इसको जो है वो ब्लैकआउट किया गया है दो सौ रेडियल 17 इंचेस के ये टायर्स हैं काफ़ी छोटे लगते हैं इसके ऊपर क्योंकि व्हील आर्च जो है वो काफ़ी बड़ा है और ये देखो सस्पेंशन यूनिट आपको यहीं से नज़र आ रही होगी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लास्टिक क्लैडिंग आप यहाँ पर देखोगे ये चारों तरफ ये पीछे तक जा रही है प्लास्टिक क्लैडिंग काफ़ी सेक्सी लग रही है गाइस ये और आप अगर इसका हैंडल बार देखोगे ये ग्रैब हैंडल देखोगे या जो भी आप इसको कहना चाहो रिक्वेस्ट बटन के साथ में ये भी ब्लैकआउट किया गया है और यहाँ पर ओ आर वी एम पर जो है वो एल ई डी का ही यूज़ किया गया जो कि टर्न इंडिकेटर का एक्चुअली काम करती है फेंडर पे इसको मैंनेशर नहीं किया गया यहाँ पर क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो पीछे तक जा रही है रेगुलर हैरियर में आप नीचे भी देखते हो क्रोम स्ट्रिप बट इसमें ब्लैकआउट की गई है ये हेरियर की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है एंड शार्क फिन एंटीना आप ऊपर देख पा रहे होंगे साथ ही और यहाँ पर भी क्वार्टर पैनल का यूज़ किया गया है तो ये क्वार्टर मिरर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्वार्टर मिरर एक्चुअली राइट साइड में आपको जो है वो फ्यूल लेट दी गई है जो कि एक प्रेस में बाहर निकल जाती है स्प्लिटेबल टेल लैम्प इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं थ्री डी इम्प्लांट देते हैं एंड बहुत ही बड़े से जो है वो दिए गए हैं इसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट मैं कहूँगा कि साठ परसेंट ऑफ़ द पार्ट इस तरफ दिया गया है थर्ड यानी कि सी पिलर में आप नीचे फॉग लैम्प यूनिट देखोगे और नीचे ही आपको जो है वो बम्पर भी देखने को नज़र आएगा जिसमें कि चार सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं अगर हम मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलूँ ना गाइस तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ दी गई हैं यहाँ पर वाइपर दिया गया है डिफॉगर के सेट दिए गए हैं ये भी कुछ छोटा सा ही वाइपर दिया गया बहुत बड़ा वाइपर नहीं है टाटा एंड हैरियर की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलती है यहाँ पर ओ या फिर डी जो कि एक्चुअली डी का काम नहीं करता कैमरा दिया गया है रिवर्स पार्किंग के लिए यहाँ पर आपको प्लास्टिक या फिर पार्सल ट्रे जिसे कहते हैं वो दी गई है ये देखिए कुछ इस तरीके का बूट आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा जो कि 425 लीटर का गाइस यहाँ पे दिया गया है जे का एक सेट यहाँ पर भी दिया गया है एलुमिनेशन लाइट भी इसमें मेंशन की गई है ये चार सौ पच्चीस लीटर की है बहुत बड़ी बूट स्पेस एक्चुअल में नहीं है एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है ताकि आप इजली इसको बंद कर सकें सो येस नीचे अगर आप देखोगे तो रिफ़्लेक्टर्स के सेट दिए गए हैं डिफ्यूज़र जैसा जो है वो इसको बनाने की कोशिश की गई बट ये डिफ्यूज़र है नहीं ओवरऑल एक अच्छी प्रेजेंस गाड़ी जो है वो यहाँ पर देती है इसकी प्राइसिंग जो है वो फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पर मेंशनड है कि कितनी प्राइसिंग कौन कौन से वेरियंट्स में आ रही है और अगर यहाँ पे देखें तो डिज़ाइन बहुत ही अप्रोप्रिएट है डी एड प्लेटफॉर्म पर बनी हुई ये गाड़ी है जो कि यू नो लैंड रोवर की पैटिगरी you know, है और ये जो डी एड प्लेटफॉर्म है बहुत सारी गाड़ियों में गाइज यूज़ होता है जिनमें से लैंड रोवर रेंज रोवर के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से इवोक है स्पोर्ट है डिस्कवरी है इनफैक्ट जैगवार की कुछ गाड़ियाँ हैं जिसके ऊपर ई पेस मुझे एक याद आ रही है जिसके ऊपर यूज़ की गया है ये प्लेटफॉर्म चलिए फ़िलहाल मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और अंदर से दिखाता हूँ गाइज गाइज़ फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर इंग्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो चीज़ें बिल्कुल रेगुलर हैरियर जैसी है बस ये है कि थीम जो है वो ब्लैक कर दी गई है जैसे कि आप यहाँ पर लेदरेड टच देखोगे ये वाला लेदरेड टच देखोगे इनफैक्ट डोर हैंडल पर भी जो लेदरेड टच है मैं उस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो ग्रैब हैंडल पर लेदरेड टच दिया गया है वो भी ब्लैक कर दिया गया है तो ये सब चीज़ें जो ब्राउन थी एक्चुअली उनको ब्लैकआउट कर दिया गया है इसलिए इसका डार्क एडिशन नाम रख दिया गया है आप यहाँ पर ये वाला सेक्शन देखोगे इसमें भी ब्लैकिश फिनिशिंग दी गई है सिल्वर के ऊपर ये भी हल्का सा ब्लैकआउट किया गया है और बस बाकी सब चीज़ें जो है वो रेगुलर हैरियर जैसी ही आपको देखने को नजर आएगी बस ये डार्क एडिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थीम जो है वो ब्लैक यूज़ की गई है आई आर वी एम आपको ऑटोमेटिक मिलता है सन रूफ के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल्स मिल जाते हैं सो so... और सन वाइजर जो है वो ब्लैंक रखा गया जैसे कि आप पहले भी देखते हो एक ऑटोमेटिक यूनिट है तो कुछ इस तरीके नॉब आपको यहाँ देखने को नजर आएगा फिलहाल अगर मैं इसके स्टेयरिंग व्हील की भी बात करूँ तो स्टेयरिंग व्हील पर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं दोनों तरफ ही आप जो है वो कंट्रोल्स देखोगे बीच में हॉर्न पैंट दिया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्पेस या फिर कंफर्ट में हमेशा से इस गाड़ी का फैन रहा हूँ जिस तरीके की सीट्स ये ऑफर करती है एक अच्छा कमांडिंग पोजीशन आपको देती है जहाँ बैठते हो ना वो काफ़ी रिलैक्स्ड पोजीशन है आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है वहाँ से तो इस तरीके से जो है उसकी सीट्स डिज़ाइन की गई है जो कि आई गेस प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का पीछे चलते हैं पीछे के ड्रॉबैक्स देखते हैं पीछे के जानते हैं कि कितनी स्पेस पीछे एक्चुअली दी गई है चले गए पीछे चलते गाय इस पीछे भी इनक्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है एज पीपल के लिए क्योंकि काफ़ी ऊपर है ये और इसकी अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो दो सौ पाँच की ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी रूमी रूमी सा हो जाता है ना गाइज जब भी हम पेनारोमिक सनरूफ को खोल लेते हैं ऐसा तो लगता है कि आ, हवा ज़्यादा आ गई हो अंदर या फिर स्पेस ज़्यादा हो गई हो क्लस्ट्रोफोबिक लग जाता है अगर ये वाला पोर्शन भी इन्होंने ब्लैक कर दिया होता इसको ऑफ वाइट कलर में ही रखा गया है ताकि स्पेस एक्चुअली गाड़ी में महसूस हो और ऊपर से इसको वाइट रखने का फ़ायदा ये भी है कि आपकी छत या फिर ये वाला पार्ट जो है वो गर्म नहीं होता एक्चुअली जब भी आप गर्मियों में इस गाड़ी को यू नो धूप में पैंतालीस डिग्री पचास डिग्री सेल्सियस में खड़ी करते हो तो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता ऑब्वियसली ब्लैक पार्ट्स हैं तो हर एक फ्रीवेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पर लेकिन मोस्ट जो धूप है या फिर मोस्ट पार्ट जो हॉट होता है वो ये वाला पार्ट ही होता है यहाँ पर इसको ऑफ वाइड रखा गया है कंफर्टेबल सीट्स हैं अच्छा खासा लेग रूम मुझे यहाँ पर गाइस मिलता है बहुत अच्छा खासा लेग रूम है यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन देखो काफ़ी अच्छा अंडरथाई सपोर्ट मिलता है मुझे यहाँ पर भी एक प्लास्टिक Uh, के अंदर जो है वो प्लेसिंग दी गई है आप सामान वगैरह रख सकते हो एंड फ्लोर हम्प भी जो है वो थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर की तरफ अगर यहाँ भी देखोगे तो ये देखिए हेड रिस्ट्रिन जो है वो काफ़ी कुछ नहीं है एंड वेल प्लेस्ड है मुझे अच्छा खासा हेड है, रूम मिल जाता है शोल्डर रूम का जवाब नहीं है काफ़ी अच्छा शोल्डर रूम भी आपको यहाँ पर मिलता है थ्री पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती है सभी के लिए एंड आई गेस ये टू पॉइंटेड है ये yes, बीच वाले के लिए टू पॉइंटेड ही रखी गई है बाकी दो पैसेंजर्स के लिए जो है वो थ्री पॉइंटेड रखी गई है एक यहाँ पर जो है वो सेंटर आमरेस्ट भी दिया गया है बट ये मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि पॉलीथीन अभी लगी हुई है एक अच्छा खासा यू नो अंडर था सपोर्ट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ रूम ही है काफ़ी इसका केबिन और कंफर्टेबल राइड्स मिलती है गाइज आपको यहाँ पे तो मेरे ख्याल में अगर मुझे यहाँ पे मार्क करना हो स्पेस के मामले में या कम्फर्ट के मामले में आई एल बी गिविंग नाइन आउट ऑफ टेन टू दिस कार गाइज देखो ये जो डार्क एडिशन है ना इसका कोई परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं है ये बस एक कॉस्मेटिक अपडेट है गाड़ी का कॉस्मेट कुछ अच्छी लगे गाड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी फील कराए या उन लोगों के लिए जो एक्चुअली रेगुलर कलर से थोड़ा सा नाखुश हैं या उनको कुछ अच्छी अच्छा इंटीरियर चाहिए अच्छा एक्सटीरियर चाहिए डार्क कलर से थोड़ा सा प्रेम हो उन लोगों को उसके लिए ये गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है येस yes, uh, कुछ कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि आपको लेने के लिए मजबूर कर दे बस कॉस्मेटिक्स हैं जो भी है और यानी कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है अपील करती है अच्छी लगती है देखने में अट्रैक्ट करती है आपको और बस इसलिए डार्क एडिशन जो है वो यहाँ पर टाटा ने लॉन्च किया और बाकी अगर आप इस गाड़ी को या किसी भी गाड़ी को यहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इन केस यू आर फ्रॉम डेली एन मिलते हैं मिलते गाइज एक और नई वीडियो के साथ में अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम बाय टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार ड्राइव सेफ गाइज़